वेलकम फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये व्यू आपको कैसे बनेगा। तो स्टार्टिंग में हमें इस तरह से वॉल मिला है जिस पे अपने को प्लाई लगाना है। प्लाई इसलिए क्योंकि जब हम स्टैंड लगाएंगे तो वो फास्ट फास्ट लग जाएगा। इस तरह से हम चारों तरफ या तीनों तरफ यू शेप में आप प्लाई को अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि आपकी दीवार एक लेवल हो जाएगी। उसके बाद हमें जाल बनाना है एल्यूमिनियम के पाइप से। इस तरह से कुछ ये जाल बनेगा। ये हम थोड़ा स्लोप में बना रहे हैं इसको। इस तरह से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाइप लग रहा है। पूरा वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं, शॉर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से जाल बनेगा। अब सेंटर में और पाइप्स डाल दिए गए हैं। इस तरह से दोनों तरफ पाइप लग जाएंगे। अब पाइप लगने के बाद ग्रास को अप्लाई करना है प्लाई पे। इस तरह से आपको दो तीन लोगों की मदद से पूरी ग्रास को एक साथ अप्लाई करना है प्लाई पे, जो कि फास्ट अप्लाई हो जाएगी। ग्रास आपकी 40 mm की रहेगी। तीनों तरफ ग्रास अप्लाई हो जाएगी। नीचे से आप कुछ हाइट छोड़ सकते हैं जहाँ पे बॉक्सेस आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रास लगने के बाद, जाल बनने के बाद कंप्लीट व्यू आ जाएगा। अब हम स्टैंड लगाएंगे। स्टैंड इस तरह से आप लेवल से लगाइए, जितनी हाइट आपको चाहिए आप ले सकते हैं। रस्सी की मदद से आप लेवल करके स्टैंड्स लगाइए। इस तरह से पूरा एक लेवल में लग जाएगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। इस तरह से आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हुए पूरी वॉल पे स्टैंड्स लगा दीजिए, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा व्यू आ जाएगा शूज़ डिस्प्ले के लिए। स्टैंड्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे, हमारी दूसरी वीडियोस आप देख सकते हैं। इस तरह से स्टैंड ये अपने लगने के लिए तैयार है। स्टील का मटेरियल आएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से स्टैंड फटाफट इस पर लग जाएगा ये प्लाई की मदद से। पूरे स्टैंड हमारे लग चुके हैं, आप इसका व्यू देख सकते हैं कितना प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ ये काम हुआ है। इसके बाद हमें सीलिंग पे पीवीसी पैनल्स अप्लाई करना है, जो कि आपके एरिया में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हम स्लोप में इसको बना रहे हैं। पीवीसी पैनल इजीली लॉकिंग सिस्टम से हो जाता है, एक आदमी इसको अप्लाई कर सकता है। जाल जो हमने बनाया उसके ऊपर इजीली अप्लाई हो जाएगा। इसमें अपने को स्क्रू लगेगा, ड्रिल लगेगी। इस तरह से इसमें स्क्रू करे जाएंगे, आप देख लीजिए जितने पाइप्स लगे हैं सब पे स्क्रू होगा। ये वेरी फास्ट अप्लाई हो जाता है, ये 2 दिन में पूरा रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से स्क्रू हो जाएगा। ये हमारा लगभग एंड होने को आया है स्लोप वाला एरिया। इस तरह से हमने इसमें लाइट्स लगा दी, LED लाइट्स इसमें लग गई। सामने के लिए हम पैक कर देंगे थोड़ा इसको तिरछा काट के। आप देख सकते हैं किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो हमारी लाइट्स हमने चालू कर ली है। लाइट्स हमें कम लग रही है, हम सेंटर में एक लाइट और लगा लेंगे। ये हमारे सेंटर में लाइट्स भी लग गई है और सामने से पैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सामने की पैकिंग लगभग फिनिश होने को है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मेज़रमेंट ले लेके हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा डिस्प्ले को अच्छा व्यू देने के लिए एक नाइकी का निशान ले सकते हैं। आप एडिडास ले सकते हैं, लेकिन नाइकी का निशान अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने ऑरेंज कलर का निशान लिया है, साइन बोलेंगे इसको, ऑरेंज कलर का साइन। अब हमारी सीलिंग और हमारी वॉल कंप्लीट। ये देखिए आप कितना प्यारा लुक हमने इसको दिया है। पूरा ओरिजिनल ब्रांडेड लुक हमने इसको दिया है। काफ़ी एरिया आपको ज़मीन पे भी मिल गया है, काफ़ी एरिया आपको वॉल पे शू डिस्प्ले के लिए मिल गया है, आपको राइट साइड में स्लीपर्स के लिए मिल गया है, सैंडल्स के लिए काफ़ी एरिया, नीचे बॉक्सेस जमाने के लिए मिल चुका है आपको, और साथ ही साथ में आपको नीचे बैठने के लिए किसी को भी पहना के दिखाने के लिए आपको सारी डिटेल अच्छे से मिल गई है। ये नाइकी का टिक हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप बिठा के इजीली चेंजिंग करवा सकते हैं।
तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।